अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फूल गोभी की रेसिपी। और इससे पहले मैंने आपके साथ इसी फूल गोभी के पकोड़े शेयर किए थे, तो वो भी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे। और उस इसी गोभी में से आधे हमने बनाकर तैयार की है सब्ज़ी। तो आज हम बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनाने वाले हैं, बहुत ही झटपट। तो देखिए, हमने गोभी को अच्छे से तोड़ लिए हैं डंठल, और अब हम इसका कचरा सारा अलग करके और इसकी कर लेंगे कटाई। तो बारीक बारीक हमें गोभी को काट लेना है। तो सब्ज़ी में अक्सर क्या होता है, बड़े बड़े पीसेस लोग डालते हैं, लेकिन अगर बारीक पीसेस में अच्छी बनती है सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही थिक बनती है। तो देखिए, बिल्कुल बारीक पीसेस हमने कट कर लिए हैं, और ये हमने पकौड़े के लिए अलग निकाले थे बड़े पीसेस, और छोटे पीसेस के लिए हमने सब्ज़ी बनाएंगे। और अब हम इंडक्शन को ऑन करके इस पर रख देंगे एक डिश, और डिश में डाल देंगे पानी, और पानी में हम नमक डालकर इसको बॉईल करेंगे। और पानी में नमक डालकर बॉईल करने से गोभी में जो कीड़े फंगस लगी होती है सब निकल जाती है। तो इसी तरीके से आप बनाए करें, चाहे पकोड़े बनाएं या फिर आप बनाएं सब्ज़ी या फिर इसका पुलाव बनाएं, तो आप पहले गोभी को इस तरह से नमक के पानी में 50% कुक करके निकाल लें। और अब हम इसमें, जब ये पानी में एक उबाल आ जाएगा, तो देखिए ये पानी में उबाल आ गया है, और अब हम ये सारी गोभी को डाल लेंगे इस तरह से। तो हम सारी गोभी इस तरह से उबाल लेंगे, बड़े पीसेस और छोटे पीसेस सारे एक साथ डाल लेंगे, फिर ये गोभी हमारी उबल जाएगी। 50% हम इसको कुक कर लेंगे, और कुक करने के बाद फिर हम इसको सारा बड़ी छन्नी जो होती है ना, जिसमें के बड़े छेद होते हैं, उसमें आप इसको छानें, तो छान कर इसको अलग कर दें। तो देखिए ये बड़ी, ये सब्ज़ी धोने वाली जो छन्नी होती है, इसमें हमने छान कर अलग कर लिए हैं, और बड़े पीसेस हम निकाल के अलग कर लेंगे, जिसके हमने पकौड़े पहले ही बनाकर आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की थी। और अब हम जो छोटे पीसेस हैं उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो इधर हमने चढ़ा दिए कढ़ाई में तेल, और तेल हमारा गरम हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब मेथी दाना। और मेथी दाना जैसे ही तड़क जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे, हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर को पानी में थोड़े से भिगो कर रख दिया था। तो देखिए, हमने कटोरी में भिगो कर रख दिया था, और अब हमने इसमें ये डाल लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे, एक हमने बड़े साइज़ की प्याज, 3 से 4 टमाटर, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट पीस कर रख लिया है, वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। पहले हम चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग टमाटर को ऐसे ही कट करके डालते हैं, तो जिससे कि वो मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप इस तरह से पीस कर डालें, जिससे कि ग्रेवी भी आपकी थिक होगी और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब चम्मच से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब करीब हम इसको 10 मिनट भून लेंगे, क्योंकि जो हमने प्याज और टमाटर डाले हैं उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए, तो एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है जब हमारा मसाला भून जाता है। आप यकीन जानिए, बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो आप इसको पूरी के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है ये गोभी की सब्ज़ी। बिल्कुल इसका टेस्ट पनीर जैसा आता है। तो देखिए, हमने ये मसाला हमारा भून चुका है, और इसमें कितना अच्छा कलर भी आ चुका है, और मसाले से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम इसमें डालेंगे गोभी, और गोभी डालने के बाद सिर्फ हम इसको 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे, क्योंकि गोभी हमारा वैसे भी गला हुआ है। तो बस हम 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद, अब इसमें आप अपने हिसाब से गाढ़ा या पतला रख सकते हैं ग्रेवी को। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल कर लेंगे। तो आप इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में
ज़रूर याद रखिएगा।